दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनकी कला के लिए उनके मरने के बाद भी याद किया जाता है। उनमें से एक मशहूर कलाकार श्री लियोनार्डो दा विंची हैं। इटली की राजशाही के दौरान लियोनार्डो दा विंची एक कलाकार, वैज्ञानिक तथा खोजकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उन्हें आज तक उनकी प्रतिभा के लिए याद किया जाता है। पुरातत्ववेत्ता द्वारा उन्हें पूरे विश्व में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 में इटली के विंची नामक शहर में हुआ था। असल में लियोनार्डो दा विंची में विंची शब्द उनका उपनाम नहीं है, बल्कि उनका जन्म स्थल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य में। जैसा कि आप जानते हैं, लियोनार्डो दा विंची के नाम से लेकर उनकी मृत्यु तक सब एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए आज हम उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा का रहस्य आपके सामने रखेंगे। दुनिया में जो सबसे मशहूर और रहस्यमय पेंटिंग है वो है मोनालिसा पेंटिंग, जिसने दुनिया भर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं जानता हूँ मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में सुनते ही आप लोगों के दिमाग में कई प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे। आज हम आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। माना जाता है कि अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल बदलती रहती है। कई जानकारों का कहना है कि उस पेंटिंग के कई राज दफन हैं और कैसे 500 साल तक किसी भी इंसान ने मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर छुपे एलियन को नहीं पहचाना। आज हम मोनालिसा की पेंटिंग के सभी राज खोलेंगे और सभी तथ्य देखेंगे, वो भी सभी सबूतों के साथ। मोनालिसा की पेंटिंग को किसी कागज या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है और वह लकड़ी आज के समय में स्केटबोर्ड बनाने में काम आती है। इस पेंटिंग को 1503 से लेकर 1519 तक बनाया गया था, यानी 16 साल तक दा विंची इस पेंटिंग को बना रहे थे, परंतु जब तक वह पेंटिंग पूरी होती दा विंची का देहांत हो गया। असल में इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा नहीं है, यह एक स्पेलिंग मिस्टेक है। जो असल में इस पेंटिंग का नाम है वो है मोनालिसा। इटली में मोनालिसा का अर्थ होता है माय लेडी। यह पेंटिंग एक फ्रेंच रूलर नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत पसंद आई थी, इस कारण से उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में टंगाया था। दा विंची को मोनालिसा की पेंटिंग अपनी सभी पेंटिंग में सबसे प्रिय थी। वो जब भी कहीं जाते तो वह मोनालिसा की पेंटिंग को अपने साथ लेकर जाते थे। दा विंची ने जब इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था तब वो 51 साल के थे। सन 1797 में मोनालिसा की पेंटिंग पेरिस के लोवर म्यूजियम में पाई गई, परंतु यह किसी को नहीं पता कि वो पेरिस के उस म्यूजियम में कैसे पहुंची। अगस्त 1911 में वह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी। और 10 साल बाद वह पेंटिंग फिर से मिल गई। 1951 में एक आदमी ने उस पेंटिंग पर पत्थर फेंका, जिस कारण से मोनालिसा के उल्टे हाथ की कोनी पर उस पत्थर के कारण एक निशान पड़ा हुआ है। मोनालिसा की पेंटिंग के लिए लोवर म्यूजियम ने एक खास तरह का कमरा बनाया है, जिसका तापमान ऐसा रखा गया है कि मोनालिसा की पेंटिंग को खराब ना करे। इस कमरे को बनवाने के लिए म्यूजियम ने 50 करोड़ रुपए तक खर्च किया है। यह पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर सुरक्षित रखी गई है। 14 दिसंबर 1962 में मोनालिसा की पेंटिंग 100 मिलियन डॉलर की थी, यानी 680 करोड़ रुपए की थी, और आज के समय में वह पेंटिंग 790 मिलियन डॉलर की है, यानी 5380 करोड़ रुपए की। चलिए, अब आपको मोनालिसा की पेंटिंग की काफी जानकारी मिल चुकी है, तो अब हम उसका रहस्य पता लगाएंगे। दा विंची ने यह कहीं नहीं बताया है कि उस पेंटिंग में जो महिला है
वह कौन है। उन्होंने अपनी किसी भी लिखी हुई रचना में से एक में भी मोनालिसा से जुड़ी एक भी सुराग नहीं बताया और ना ही कोई जिक्र किया है। फिर दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर में मोनालिसा है कौन। सबसे पहले वैज्ञानिक ये कहते थे कि डाविंची ने पेंटिंग बनाते समय मदर मेरी को ध्यान में रखा होगा, ये शायद उसने उस पेंटिंग में अपनी माँ का चेहरा बनाने की कोशिश करी होगी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि डाविंची ने उस पेंटिंग में अपने आप को एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया है, परंतु इनमें से कुछ भी सच नहीं है। अगर हम उस समय की किसी भी इंसान को देखें